प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रावर्तक दूरदर्शी। कौन सी दूरदर्शी? प्रावर्तक दूरदर्शी। अब अपने पास एक तो थी अपवर्तक दूरदर्शी और एक है प्रावर्तक दूरदर्शी। दोनों में श्रेष्ठ कौन सी है? दोनों दूरदर्शी में श्रेष्ठ कौन सी है? श्रेष्ठ है प्रावर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी में क्या होता है? गोली विफतन और वर्ण विफतन के दोष उत्पन्न होते हैं। गोली विपतन और वर्ण विपतन के दोष उत्पन्न होते हैं। जैसे गोली विपतन में मान लीजिए कोई आकाशीय पिंड एकदम से गोल है और वो अपने को यूं चपटा दिखाई दे या और किसी आकृति का, उस सेम आकृति का नहीं दिखाई दे, वो क्या हो गया? गोली विपतन। वर्ण विपतन क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, कलर फॉल्ट हो गया, किसी कपड़े का कलर फॉल्ट हो गया, यानी सेम उसका एक्चुअल कलर नहीं दिखाई देना, ये क्या होता है? वर्ण विपतन होता है। तो कौन से दूरदर्शी में उत्पन्न होते हैं ये दोष? अपवर्तक दूरदर्शी में ये दोष उत्पन्न होते हैं। तो इन दोष को दूर करने के लिए, इन दोषों को दूर करने के लिए कौन सी दूरदर्शी काम में ली, कौन सी दूरदर्शी बनाई गई? प्रावर्तक दूरदर्शी बनाई गई। अपवर्तक और प्रावर्तक दूरदर्शी में श्रेष्ठ कौन सी है? प्रावर्तक दूरदर्शी। क्यों? क्योंकि अपवर्तक दूरदर्शी में कौन से दोष उत्पन्न होते हैं? गोले विपतन और वर्ण विपतन के दोष उत्पन्न होते हैं। प्रावर्तक दूरदर्शी में ये दोष उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि प्रावर्तक दूरदर्शी में क्या होता है? एक अवतल दर्पण होता है और दर्पण में किसी प्रकार के कोई दोष उत्पन्न नहीं होते। लेंस में दोष उत्पन्न होते हैं, लेंस में अपवर्तन की क्रिया होती है, उसकी वजह से उसके रंग में, उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन दर्पण में किसी प्रकार के कोई दोष उत्पन्न नहीं होते। इसलिए अपवर्तक दूरदर्शी की बजाय कौन सी श्रेष्ठ है? प्रावर्तक दूरदर्शी। अब हम इस प्रावर्तक दूरदर्शी का किरण चित्र बनाते हैं। प्रावर्तक दूरदर्शी का किरण चित्र, तो प्रावर्तक दूरदर्शी में देखिए, एक अपने पास अवतल दर्पण होता है बड़े द्वारक का, ये क्या है? अभिदृश्यक, अभी दृश्यक अवतल दर्पण, जिसकी फोकस दूरी को हम एफ ओ से लिखेंगे। ये बड़े द्वारक का दर्पण, ये एक नली पर लगा होता है, एक नली के सिरे पर ये कसा हुआ होता है, यहां तक। एक दूसरी नली, धातु की एक दूसरी नली लेते हैं, इस नली के सिरे पर यहां नेत्रिका लेंस लगा होता है, इसको हम क्या कहेंगे? नेत्रिका। इसकी फोकस दूरी को एफ ई से लिखते हैं। इस तरीके से ये धातु की दो नली होती है, एक नली पर अभिदृश्य के रूप में अवतल दर्पण होता है, दूसरी नली पर नेत्रिका के रूप में लेंस होता है। लेंस को थोड़ा सीधा बनाऊंगा, एक समतल दर्पण और होता है इसके अंदर, जिसको यहां 45 डिग्री के कोण पर यहां लगाया जाता है। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। ये जो अवतल दर्पण की जो ये नली है, इस नली के अंदर इसको कसा जाता है। अब इस पर अनंत से आने वाली किरण, एक तो सीधी इसके
ध्रुव पर आपतित हो रही है और एक किरण सीधी यहाँ आपतित हो रही है। ये अनंत से चलकर आने वाली किरणें दर्पण पर आपतित होती है। यहाँ से परावर्तन के पश्चात ये किरणें इधर मिलती हैं। ये किरण यहाँ से परावर्तित होगी, परावर्तित होकर के इस दर्पण पर यहाँ आपतित होती है और ये किरण यहाँ आपतित होती है। इस तरीके से दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये किरणें, अब यदि हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं, इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये इस बिंदु पर फोकस होती है। लेकिन इनको फोकस होने से पहले ही हम क्या कर लेते हैं, समतल दर्पण पर आपतित करा देते हैं। अब यहां से ये समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये किरणें इधर लेंस पर आपतित होती हैं और ये किरण यहां से परावर्तन के पश्चात यहां आ जाएगी। तो ये दोनों किरणें जहां क्रॉस हो रही हैं, यहां पर ये प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, किसके द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा ये ए डैश बी डैश बन गया। इसे चलने वाली ये किरणें इस लेंस पर आपतित होंगी और लेंस से परावर्तन के पश्चात अब इधर से हम देखेंगे तो ये अपने को पीछे से आती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ इसका अंतिम प्रतिबिंब ये बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये अपने को पीछे से आती हुई प्रतीत होती है, तो इसको हम यो मिला देंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे आगे। दूसरी किरण ये, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इधर से हम देखेंगे तो ये वस्तु का प्रतिबिंब अपने को ए डबल डैश बी डबल डैश दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये इसका दूरदर्शी का, परावर्तक दूरदर्शी का किरण चित्र है, जिसमें ये एक अभिदृश्य अवतल दर्पण है और एक ये नेत्रिका लेंस है। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। इस परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बराबर, इसकी क्रिया विधि में देखिए क्या लिखना है। बनावट में तो इसमें एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है, अभिदृश्य का अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी एफ होती है जो एक नली पर कसा हुआ होता है। दूसरी नली के सिरे पर एक नेत्रिका के रूप में उत्तल लेंस लगा होता है। दोनों नलियां क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती हैं। एक अवतल दर्पण की जो खोखली नली है, इस खोखली नली के अंदर क्या लगा होता है, एक समतल दर्पण कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर ये लगा होता है। ये तो इसकी बनावट। अब अनंत से चलने वाली क्रिया विधि में देखिए, अनंत से चलने वाली किरणें, अनंत पर स्थित वस्तु उससे आने वाली किरणें इस अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएंगी, ये परावर्तित होंगी। परावर्तित होकर के परावर्तित होती हैं तो इसको एक समतल दर्पण पर आपतित किया जाता है। समतल दर्पण से परावर्तित होकर के किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं जहाँ पर इस अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ए डबल ए डैश और बी डैश। अब इस ए डैश बी डैश वस्तु से चलने वाली जो किरणें, ये नेत्रिका लेंस पर आपतित होती हैं, नेत्रिका लेंस से इसका अंतिम प्रतिबिंब बनता है ए डबल डैश बी डबल डैश। ये इसकी क्रिया विधि हो जाएगी। आवर्धन क्षमता एम बराबर, इसका सीधा फॉर्मूला है, अभिदृश्यक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अभिदृश्यक अवतल दर्पण की फोकस दूरी और बटे नेत्रिका की फोकस दूरी। तो दूरदर्शी कि जो आवर्धन क्षमता थी अपवर्तक दूरदर्शी की एफ बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ, ये थी। तो एम बराबर, अब यहां देखिए अभिदृश्य अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यहां अवतल दर्पण हो गया
यहाँ क्या हो गया, अवतल दर्पण। और पहले अपवर्तक दूरदर्शी में क्या था, लेंस ही था, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, और यहाँ पर भी नेत्रिका के रूप में लेंस था, इसकी फोकस दूरी है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, अवतल दर्पण, तो ये माइनस, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस एफ ओ और बट्टे एफ ई, तो इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र बनेगा एम बराबर एफ ओ बट्टे एफ। ये परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होगा, यही काम में लेना अपने को। जो अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता थी अनंत पर, अंतिम प्रतिबिंब काम ने अनंत पर, उसके लिए जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इसके लिए होगा, सेम ही होगा। इसमें बस ध्यान देना है कि यहाँ एफ ओ किसकी फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की, यहाँ विदृश्य के रूप में हम अवतल दर्पण काम में ले रहे हैं, तो इसकी फोकस दूरी माइनस होगी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये थी अपने पास परावर्तक दूरदर्शी, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।